पूरा पेड़ देख लेगा तभी कूदेगा, नहीं तो कूदेगा नहीं, उसी में बैठा रहेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जागता है वही भागता है। सोए सोए कैसे भागोगे, और तुम अभी प्राणी पदार्थ की नींद में सोए हो, लोभ मोह की नींद में सोए हो, कैसे जागोगे? कोई सदगुरु जगाएगा। संतो जागत नींद न कीजे, संतो जागत नींद न कीजे। संतों जागते रहना, जागते जागते नींद में न चले जाना, संतों को समझाया गया। ये संत जो बैठे हैं इनके लिए बात, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो कुछ भी करो ठीक है। इनको समझाया गया, संतों जागत नींद न कीजिए। अरे संतों तुम जाग चुके हो, जिस भोग विलास को त्याग करके आ गए हो माया मोह को, अब उसकी नींद में फिर से मत सो जाना। ये संतों को जगाया गया, मौलवियों को जगाया गया है, काजियों को जगाया गया है, और गुरुद्वारा के ज्ञानियों को जगाया गया है, चर्च के पादरी को जगाया गया है, साधु संत को जगाया गया है। कि तुम दुनिया को जगाने का ठेका लेकर के बैठे हो तो कहीं तुम पुनः नींद में सो मत जाना। संतों जागत नींद न कीजिए। याद रखना, जो जाग गया है उसे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सो सकता है, फिर से नींद आ सकती। तुम बुराइयां छोड़ चुके हो लेकिन फिर से बुराइयों में फंस सकते हो। तुमने चोरी छोड़ दी है, फिर से चोरी शुरू कर सकते हो। बेविचारी छोड़ी है, फिर से बेविचार शुरू कर सकते हो। और तुमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, फिर से शुरू कर सकते हो। इसलिए याद रखना, संतों तुम जाग चुके हो, होश में आ चुके हो, अब पुनः इस संसार की माया मोह में सो मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगाने की भी ड्यूटी है। संत वह है जो माया मोह की नींद से खुद जागता है और पूरे संसार को जगाने का काम करता है, उसी को संत कहते हैं। जो संत दूसरों को जगाता नहीं है वो संत समझो अभी सोया हुआ है। जागो और जगाओ। कैसे? कोई शराब पी रहा है, उसकी शराब को छुड़ाना ही उसको जगाना है। जुआ की आदत को छुड़ाना, व्यभिचार की आदत को छुड़ाना, ये राग द्वेष पक्षपात भेदभाव की आदत को छुड़ाना, यही जागना है। और जिस समय तुमको होश आएगा, जिसकी नींद टूट गई है उसके लिए अब हिंदू भी खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गया, सिख भी खत्म हो गया, ईसाई खत्म हो गया, उसके लिए तो शुद्ध इंसान बचता है। और जो भी सोया हुआ है उसके लिए बहुत कुछ दिखता है। याद रखना, धर्म के नाम पर जितना लोगों ने नींद लिया है इतना तो राजनीति के नाम पर भी लोग नहीं सोए हैं। नींद को तोड़ना है, और नींद टूटी आंख खुली विवेक जागा फिर तुम गलत ना कर सकोगे। जिनका विवेक जागृत हो गया है उनके हाथों से गलत होता ही नहीं है। बहुत समझाना पड़ेगा उनको गलत करने के लिए, फिर भी वो समझेंगे नहीं। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को समझाती हैं कि तुम कुछ तो अपने भविष्य के लिए बचाओ, कुछ तो भाइयों से चुराओ, कुछ बाप से कपट करो, तुम कितने बेवकूफ हो, सब रख रहे हैं तुम नहीं बचा पा रहे हो। बड़ी ट्रेनिंग देती है। कितने नेताओं को भी ट्रेनिंग मिलती है। एक आदमी मोदी जी को ट्रेनिंग दे रहा था कि तुमने क्या सीखा राजनीति में, अभी तक कुछ बना ही नहीं पाए, वही फोकटनाथ घूम रहे हो, सीखो उनसे। उनके पास कुछ नहीं था, आज हजारों एकड़ जमीन हो गई, दिल्ली और मद्रास में महल हो गए, और तुम वैसे खोखला नाथ बने। मोदी सीखता ही नहीं है।
क्योंकि जिसकी चेतना जागृत हो जाती है उसको लाख चोरी बेईमानी छल कपट सिखाओ वो सीखने वाला नहीं है, और जिसकी चेतना सोई है उसको लाख समझाओ वो बुराई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग तुम्हारे विवेक को जागृत करता है, चेतना को जागृत करता है, और जिस समय चेतना जागृत होती है कितने पतियों की स्त्रियां समझाती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओ, वो अलग होता ही नहीं क्योंकि उसको दिखता है ये तो गलत हो जाएगा। तो स्त्री समझाती है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ गई तो गलत नहीं हुआ, और तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे ही साथ रहो तो क्या गलत होगा। अरे तो स्त्री है मैं पुरुष हूँ, स्त्री पुरुष का अलग अलग फार्मूला होता है। तू माँ बाप को छोड़ कर आई है, बाहर से छोड़ा है, अंदर से कहाँ छोड़ा तूने, रोज फोन लगाती है मम्मी ठीक ठाक हो कि नहीं, अंदर से तू पकड़े है अपनी मम्मी को, और मेरे को क्यों छोड़ा रही अपनी मम्मी से, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। ये क्या नाटक खड़ी कर दिया है तुमने, बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई। और जिस लेडीज की चेतना जागृत हो जाती है वो अपनी माँ की तरह सासू की भी सेवा करती है, अपने पिता की तरह ससुर का सम्मान करती है, और अपने पति का भी सम्मान रखती है, देवर और जेठ का भी लिहाजा रखती है, पूरे घर को जोड़ने का प्रयास करती है, और किस तरह से मेरे घर का संगठन बना रहे और किस तरह से उन्नति हो। जिस नेता की चेतना जागृत हो जाती है पूरे देश की उन्नति के लिए सोचता है, किसी एक जाति के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, सबके विकास के लिए सोचता है कि हमारे देश की सड़क कैसे बनेगी, देश के पुल कैसे बनेंगे, ओवर ब्रिज कैसे बनेंगे, ये जाम कैसे खत्म होगी, न जाम खत्म हुई, न काला जाम खत्म हुआ, न सफेद जाम खत्म हुआ। आज तक 70 साल हो गए सरकार बदलते बनते, लेकिन भागलपुर कहलगांव की जाम खत्म नहीं हो गई, सरकारें खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, वोट देने वाले खत्म हो गए, पर गड्ढे खत्म नहीं हुए। मैं सोचता हूं ये गड्ढे भी इन्हीं के साथ खत्म हो जाते तो अच्छा रहता, लेकिन गड्ढे कैसे खत्म होंगे क्योंकि दिमागों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लोभ लालच के गड्ढे बने हुए हैं, तो ये बाहर के गड्ढे मिटने वाले नहीं। और जनता भी बहुत टुकड़ों की लोभी है, इसकी भी चेतना सोई हुई है। जनता चाहती है जो हमको फ्री देगा उसी को हम वोट देंगे, फ्री फ्री गेहूं, फ्री चना, फ्री मिट्टी का तेल, फ्री शक्कर, फ्री नमक। बड़ी शर्म की बात है, नमक भी सरकार दे तब तुम नमक खाओ, कितने नमक हराम निकले, हद हो गई, नमक भी खरीद कर नहीं खा सकते। चिड़िया भी मेहनत करके अपना पेट भर लेती हैं, पशु पक्षी भी मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं, धिक्कार है वो इंसान को कि अपने पेट भरने के लिए